पापा, आपने मुझे सच के खिलाफ लड़ना सिखाया है और आज आप ही मुझे चुप रहने को कह रहे हैं, इसलिए कि वो एमएलए का बेटा है। अगर वो एमएलए का बेटा है तो क्या उसने पूरी दुनिया खरीद ली? नहीं, मैं शांत नहीं रहूंगा। उस रात मेरे दोस्त की जान गई है और अगर पापा मैं आज शांत रह गया ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। वो एमएलए का बेटा है तो रहा आए, पर मैं उसको सजा दिलाकर रहूंगा, क्योंकि वो एक आरोपी है। उसने मेरे दोस्त की जान ली है। अगर मेरे दोस्त की जगह मैं होता तो क्या आप मुझे इंसाफ नहीं दिलाते? आप यूं ही हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते? नहीं पापा, मैं गवाही दूंगा। इंस्पेक्टर अंकल, मैं बताऊंगा आपको उस रात क्या हुआ था। मैं और मेरा फ्रेंड उस रात एक रेस्टोरेंट गए हुए थे। वहाँ पर वो शराबी और उसके दोस्त अय्याशी कर रहे थे और उन्होंने अय्याशी करते हुए एक लड़की को छेड़ा। वहाँ किसी ने कुछ नहीं बोला। मैं और मेरे फ्रेंड ने उनको रोका तो उन्होंने हमारे साथ ही बदतमीजी करना शुरू कर दिया और उन्होंने हमें भी मारा और मेरे फ्रेंड के सर पे उस एमएलए के बेटे ने कांच का गिलास दे मारा और किसी ने हमारी मदद नहीं की। मैं दूंगा गवाही कोर्ट में भी।